हेलो वैंड वेलकम गाइस कैसे हो आप सब उम्मीद करते काफी अच्छे होंगे के एल टी ट्वेंटी बास के दोस्तों पाँचवा मैच के अंदर हम बात करेंगे ये मुकाबला ई डी एस वर्सेस सी एफ सी के बीच में मैच खेला जाएगा सीरीज का एक और बेहतरीन और जैकपॉट मुकाबला जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट परपजल से मैच काफ़ी अच्छा रहने वाला है अभी रिसेंट हमने मॉर्निंग में जो सात बजे मैच हुआ था वहाँ पर भी हमने क्लीन स्वीप किए ऑलमोस्ट जितने भी हमने डिफ़ॉल्ट प्लेयर्स रखे थे सारे वर्क किए और अच्छे पॉइंट्स आपको देकर गए तो इस मैच में भी काफ़ी सारे डिफॉल्ट ऑप्शन है जो आपको इस मॉलिस के साथ साथ ग्रैंड लीग्स और मिनी जीएल भी जिता सकते हैं तो आप सभी इस वीडियोस को एंड तक देखें ताकि जो भी इनकी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग एलेवन में जो रिसेंट फॉर्म है और खास करके जो लॉजिक बेसिस पे इंपॉर्टेंट जो डिफॉल्ट प्लेयर्स रहेंगे वो सारे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में ही मिलेंगे जो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जितना कि इस मैचेस को विन करना तो ट्वेंटक इस वीडियो को देखिएगा और इस सबसे पहले देखो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस वगैरह रहेंगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आपको ही मिलेगा वैसे भी गैज़ आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी मैच इन्फॉर्मेशन के बारे में तो सीरीज़ का पाँचवा मैच जो कि ग्यारह बजे के करीब में मैचेज शेड्यूल्ड है आप इनकी जो वेन्यू है सिलेगढ़ ट्रप क्लब ग्राउंड कोला लोमपुर के अंदर ये मैचेस देखेंगे जो कि सेम वही वेन्यू है एस्ट से पहले के बाकी के सारे मैचेस इसी वेन्यू पर ही खेले गए थे एवरेज स्कोर भी आप एक सौ और एक के आसपास से स्कोर बनते दिखेंगे और पीछे एक तरह से बैलेंसड जहाँ पे बॉलिंग विद बैटिंग दोनों को अब तक काफ़ी अच्छे इस वेन्यू पे हेल्प मिली हुई है और टेलीग्राम से भी जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारी फैंटेसी टीम्स होंगी या फिर टॉस के बाद जो कुछ भी हमारी टीम्स में चेंजेस होंगे इसके सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं तो जुड़ना मत भूलिएगा यू ने लास्ट के अपने रिसेंट एक मैचेस खेले जो हार कर आ रही है सामने वाली टीम ने तो अभी भी बार अपनी मैचेस यहाँ पर खेली नहीं है तो बात करते हैं यू के प्लेयर्स इंफॉमेशन के बारे में तो इनके टीम की ओर से राजकुमार राजेंद्र दिखेंगे जिसमें राइट हंडे से बैटिंग है राइट एंड मीडियम बॉलिंग जो कि उनसठ मैचों में टोटल चार सौ चौवन एगारह के एवरेज और तीस विकेट से पर लास्ट मैचों में सिर्फ नाइन प्लेस स्कोर है जिसमें बॉलिंग नहीं कराए पर इस मैच में हो सकता है कि और इनिंग में टीम इनकी बॉलिंग डाले तो एक दादा ओवर्स इनको मिल जाए तो वैसे भी एक सेफ चॉइस है जो कि बैटिंग से आपको अच्छे टच में दिखेंगे तो टीम्स में आप इनको लेकर चल सकते हो इस टीम के ये टॉप ऑर्डर के बैटिंग प्लेयर्स रहने वाले दूसरे ऑप्शन राजेश को भी हम रखेंगे राइट हैंड से बैटिंग है स्लो लेफ्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग है चौदह मैचों में टोटल छाछठ रन ग्यारह और सोलह विकेट्स थे जो लास्ट मैचों में दो प्लस विकेट ले से आते सिर्फ एक ही ओवर से बॉलिंग था तो ये भी एक सेफ चॉइस है जो कि आकर कभी कभार इनकी एक दा ओवर से आते ज़्यादातर टीम तीन ओवर चार ओवर ही बॉलिंग कराते तो सेफ चॉइस रहेंगे दोनों ही बैटिंग को टीम में आप जरूर रखें सेना औला की बात करेंगे तो इनको रखने से कुछ खास फ़ायदा है नहीं क्योंकि इससे पहले टी के अंदर एक भी मैचेस इन्होंने खेला नहीं था के एक मैचों में सिर्फ छः रन है जाकिर हुसैन भी लास्ट मैचों में चौदह प्लस ही स्कोर कर पाए हैं तो उसको अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप इन दोनों में से किसी भी एक बैटिंग को रख सकते हैं पर यहाँ से हम किसी को नहीं रखने वाले मुराद अली की बात करेंगे राइट हैंड से बैटिंग है राइट हैंड मीडियम बॉलिंग तीस मैचेस से टोटल पाँच सौ छः रन इक्कीस का एवरेज जिसमें बीस विकेट्स आया था तो ये थोड़ी बहुत आपके लिए इस मैच के बेस्ट च्वाइस है और ग्रैंडीज के डिफ्रेंसऑफ ऑप्शन सी वगैरह रखने के लिए अब देखोगे तो रीजन ये है कि लास्ट मैच में हुआ क्या था कि इनके पास इनके टीम के पास रन कम था और जो ओपनर्स थे इनके ओपोनेंट वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे बैटिंग की और कमी मतलब कमी ओवर्स में ओपोनेंट बहुत जल्द ही जीत गए और ये टीम हार गई थी तो इन कंडीशन में इनको ओवर्स नहीं मिला था फिर भी ये मूरत अली एक ठीक ठाक प्लेयर्स है आप इनको टीम्स में रख सकते हो और दूसरी ऑप्शन हमारे लिए सदम रह सकते हैं जिस तरह से का स्टार्ट है ना राइट हैंड से बैटिंग है राइट एंड मीडियम बॉलिंग तिहत्तर मैचों में, मैच में नौ रन सत्रह के एवरेज और टोटल तिरपन तो 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 विकेट्स आए थे और इस मैच के डिफरेंशियल ऑप्शन इस मैच में भी हम इनको लेकर जाएंगे मैद उतने खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है इससे पहले टी के सात मैचों में सिर्फ तीन रन था और आमिर अज़ीम की भी देखोगे तो ओवरऑ गए वर सॉरी वो जो जो ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है बाईस मैचों में सिर्फ अब तक दो ही विकेट्स दिखेंगे जहां पर ना बैटिंग अच्छा ना बॉलिंग खेलती भी है तो यहां से हम इग्नोर करेंगे बजहर खान जो कि सत्ताईस मैचों में अब तक बयासी रन है सिर्फ ऐसे बैटिंग आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर बहुत नीचे बैटिंग के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे जो चाहे फजल दिखेंगे इस मैच की टीम के मेन बॉलिंग लास्ट मैच में विकेटलेस है और पचास मैचेस के अंदर इनका पैंतालीस विकेट्स दिखेगा तो आप इन टीम्स में इनको रखो और जो कमरन हमीद है इनको खेलते भी हैं तो यहाँ से हमें अभी इन्हें ड्रॉ भी करेंगे बेंच में से कोई भी प्लेयर इनमें से खेलता है तो इन सारे प्लेयर्स के स्टार्ट इनफॉर्मेशन आपको सीधे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है और लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे ई डी एस का जो टीम है आप देखेंगे तो इनके टीम के जहाँ पे मोलिडा जिसमें दो सौ लेफ्ट एंडर से बैटिंग और राइट ई टीम बॉलिंग इससे पहले फिफ्टी ओवीज़ के आठ मैचों में चौवन रन पाँच केवरे सिर्फ सोलह से आए थे इनके साथ जो पातुम सिल्वा है तो ये ओपन आएंगे आप देखोगे तो सात मैच में एक सौ अड़तालीस रन इक्कीस के अब जिसमें ग्यारह विकेट रहे थे मोस्ट प्रॉब्लली इस मैच के कैप्टन वाइस कप्तान के ग्रैंडीस और मिनी जेल टीम्स के सेफ चॉइस रहेंगे तो टीम्स वहाँ इन्हें जरूर रखें जो कि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छे टच में दिखेंगे और इनके अलावा दोस्तों और यहाँ पे जो कुल थुंगा दिखेंगे तो फिफ्टी ओवर्स के दो मैचों में उन्नीस रन जिसमें तीन विकेट्स आया था इनका हालांकि दोस्तों उतने टी ट्वेंटीज़ के अंदर अच्छे ऑप्शनस रहेंगे नहीं अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप रियल टीम्स में रह सकते हो और जो मलाका है तो ये नौ मैचों में एक सौ इकतालीस पंद्रह का एवरेज थोड़ी बहुत मिडल ऑर्डर में इनका बैटिंग नजर आएगा राजा पक्सा का छः मैचेस के अंदर टी ट्वेंटी दस विकेट्स था और इनको आप टीम्स में ज़रूर रखें जो एक से दो विकेट्स हिसाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेंगे निमेश की अगर हम बात करेंगे तो गैस ये राइट हैंड से बैटिंग है राइट में फास्ट बॉलिंग आठ मैचेस के अंदर सिर्फ बैटिंग से दो रन दो का एवरेज है जहाँ पे पाँच ही विकेट्स आया था जहाँ पे ना बैटिंग अच्छा है ना बॉलिंग यहाँ से अगर ये खेलते भी हैं तो हम इन्हें ड्रॉप ही करेंगे और बाकी दोस्त यहाँ पे जो डिक वॉल भी देखे हुआ तो है राइट में फर्स्ट बॉलिंग हो और जो 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 फिफ्टी ओवर के नौ मैचेस खेले गए वहाँ पे सिर्फ अब तक दो ही विकेट्स निकाले जो जॉर्जिए थे वो दस मैचों में अब तक सिर्फ पच्चीस प्लस ही स्कोर कर पाए हैं का देखोगे तो राइटे मीडियम फास्ट बॉलिंग चार मैचे के अंदर पाँच विकेट से जैसे बॉलिंग डिफरेंशियल रिस्क लेना हो तो आप इनके साथ जाओ शिव कुमार है इनके स्टार्ट मिला नहीं रविंद्रा भी इनका भी स्टैट्स मुझे अवेलेबल है नहीं देखो मिलता है तो इन सारे प्लेयर्स के स्टार्ट आपको मैं कुछ ही मिनटों में टेलीग्राम पर शायद अपडेट करूँ अभी रिसर्च में लगाऊँ जैसे मिलता है आपको अपडेट्स करा दूँगा तो आप सब हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ देखो टेलीग्राम से जुड़ना इसीलिए बोल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है और लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम हम पे जुड़ेंगे तो जुड़ जाना दोस्तों हम बात करते हैं टीम के बारे में अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि अगर आप अभी तक मिमास लेवल पर नहीं खेल रहे तो आप शायद लॉस में चल रहे होंगे ये चीज़ें होंगी आपके साथ मैं आपको अब लॉजिक समझाता हूँ सबसे पहले ध्यान से सुनना आपको प्रॉफिट के लिए ही बोलूँगा सबसे पहले तो यहाँ पे आप साइन अप करते हुए मतलब अगर आप पहले टाइम डिपॉजिट करोगे तो टेन परसेंट रियल कैश मिलेगा ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है ये सिर्फ न्यूज़र्स के लिए ही है इनके अलावा आप हमारे जैसे इन कोड कोट एफ सी एफ़ सी हंड्रेड यूज़ करेंगे ना एफ़सी हंड्रेड एफ़ सी हंड्रेड यूज़ करते ही आपको हंड्रेड रुपीज़ का रियल कैश मिलेगा जिसे आप किसी भी कॉन्टेस्ट में यूज़ कर पाएंगे अब सबसे खास फीचर्स आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं पे करना है ना विड्रॉल पे ना डिपॉजिट पे पूरी तरह से टैक्स फ्री और जीएसटी फ्री यहाँ पे तो मेरे भाइयों इंतज़ार आप किस बात का कर रहे हैं आप जल्दी से जाएँ साइन अप करें माई मास्टर लेवन और खेलें आपको कहीं से भी प्रॉफिट ही तो कमाना है ना चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेलो पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो ओनली वन माई मास्टर सेवन पर मिल रहा है जहाँ पर आपको कोई भी टैक्सेस चार्जेस पूरी तरह से टी एस टी 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 एस फ्री है और यहाँ पर देखेगा तो डेली फ्री एंट्री है लीडर बोर्ड वगैरह चल रहा है तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करो साथ ही दो सौ रुपये का बोनस भी आपको मिलेगा ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है वनली वाल वन मई मार्शल एवन पर ही मिलेगा तो जल्दी से साइनअप कर लो बाकी हम टीम की बात करते हैं और ये जो टीम है आपको वन साइड क्लीन स्वीप करा कर देंगे बाकी आप माई मार्स एवन पर साइनअप कर लो जिताने की जी मैं कोशिश करूँगा आपको वैसे भी हम लास्ट मैचेस जीत कर आ रहे हो तो इस मैच में जीतेंगे ही आप रिजल्ट चेक कर लो आपका ख़ुद पता होगा जो लोग भी इन्वेस्टमेंट हमारे टीम के साथ किए होंगे तो आप जल्दी से जाओ मई माज इलेवन साइनअप कर लो और आप इस टीम के साथ यहाँ पे खेलो इनवाइट कोड हमारा ज़रूर साइनअप करना एफसी एफ सी हंड्रेड ताकि आपको रियल कैश मिले और हमें कुछ बेनिफिट मिल पाए तो आप जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं और आप डिपोजिटिटिटिटिट वगैरह कर लो बाकी खेलना स्टार्ट कर दो